नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त तीर्थांकर सरकार, और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग रोजाना आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स, नई नई जानकारियां, ऐसी जानकारियां जो आपके जीवन से जुड़ी है, ऐसी जानकारियां जो आपको अंधविश्वास से दूर रखती है, ऐसी जानकारियां जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाती है, और ऐसी जानकारियां जो आपको हर तरीके के अंधविश्वास से जो है दूर रखती है, आप लोगों के समक्ष लाने की हम लोग कोशिश करते हैं। टॉप स्टोरी का ये हमेशा प्रयास रहता है कि हम आप लोगों को अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर जाए। किसी भी चीज को, किसी भी धर्म को, किसी भी पूजा को, किसी भी चीज को मानने से पहले उसके बारे में आप विस्तार पूर्वक जाने, उसके बारे में आप बेहतर जानकारी रखें, और उसके बाद फिर किसी चीज को आप अपनाएं और पूर्ण विश्वास के साथ उस काम को जो है आप करें। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि कल जो है गोपाष्टमी है 11 तारीख को, तो आज हम बात करने वाले गोपाष्टमी की ही हम बात करेंगे कि गौ पूजन से सौभाग्य वृद्धि जो है वो कैसे होती है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा आचार्य जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। दोस्तों, निश्चित तौर से आप सूर्य की छठ मना रहे होंगे, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। और सच में गाय के बारे में जानना हम लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी है कि हमारी सरकार जो केंद्र में बैठी है वो भी गाय का बहुत सम्मान करती है, आप लोगों को पता है, और गाय के अंदर उनको ईश्वर नजर आता है। देखिए, पुरातत्व मान्यता है जिन लोगों को बीपी ज्यादा रहता था जी, वो गाय की गर्दन के ऊपर हाथ फेरते थे तो उनका बीपी ठीक रहता, या नहीं होता जी। था उस समय जनरली सभी लोग, हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई और हो, सभी लोग अपने घरों में गाय पालते थे जी। समय के हिसाब से करवट बदली है, मेहनत करना हमारे बस के नहीं रहा। मेहनत करने के पीछे भी मैं एक कटाक्ष आप लोगों को सुना देता हूँ। पहले महिलाएं घर का खाना बनाती थी और औरतें बाहर की नाचने के लिए आती थी, अब उल्टा हो गया है। अब घर की महिलाएं नाचती हैं, बाहर की औरतें आके खाना बनाती हैं, तो हमारी काया बहुत बेकार हो गई। गाय वही रुकती है जहां पर हम लोग मेहनती होते हैं। हमें वो सुबह रंबाती है, सूर्य निकलने से पहले रंबाती है, हमें उठना पड़ता है, उसका वक्त होता है 3 वक्त भोजन करने का। वो 3 वक्त सुबह को ब्रंच कर तो ना, वो नाश्ता करती है, वो 5 बजे सानी बोलते हैं उसे, फिर वो 9-10 बजे दूध देने के बाद 2-1 घंटे बाद वो भोजन करती है, उसमें चना वना दुनिया भर की चीजें मिला के भूस वगैरह मिला के देते हैं उसे, फिर वो आराम करती है, फिर 3-3.30 बजे दूध देते हैं, देती है 4 बजे दूध देती है, उसके बाद फिर भोजन करती है। तो ये गाय का एक जो चलन है वो सूर्य के हिसाब से चलता है, और इंसान यदि उसी चलन को मान ले तो फिर उसका शरीर ही खराब ना हो। तो हमारी हराम खोर खाया और काया होने की वजह से हम अपनी जो प्राचीन संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं। आज मैं वो चक्की लिख के लेकर आया हूँ आपके लिए। मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, 2 घंटे मेहनत करता हूँ इस चैनल के लिए, क्योंकि इस चैनल का नियम है यहाँ पर वही चीज दिखाई जा सकती है जो सत्य की ओर जाती हो, जिसका आपको लाभ मिले। मैं जानता हूँ कि अभी हम लोग कम हैं, आने वाले वक्त में बहुत लोग हम होंगे। आप क्या सोचते हैं मुझे हर बात का पता है? नहीं पता, जितना आप जानते हो उतना ही मैं जानता हूँ, उससे ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं मेहनत करता हूँ। और दोस्तों, एक चीज और बताओ, जिस चीज को मैं पकड़ लेता हूँ उसको पूरा करके छोड़ता हूँ, ये मेरी शुरू से आदत है जी। अगर मैंने ये वायदा किया है चैनल से कि आपको हर बार कुछ नया बताऊंगा, तो मान लीजिए कुछ नया बताऊंगा, तो आज मैं चलता हूँ आपको लेके गाय के साथ। दोस्तों, कल गोपाष्टमी है 11 नवंबर 2021, और एक विशिष्ट दिन है। 1 नंबर से कहो तो सूर्य है, 2 नंबर जोड़ के बात करो चंद्रमा, नवंबर के अंदर भी 2 इक्के हैं, तो आप देखिए चंद्रमा का दिन मान लीजिए जो भगवान शिव के लिए समर्पित है चंद्रमा, और या 1 नंबर है तो प्रकाश का दिन हो गया, सूर्य का दिवस है। ये अद्भुत संयोग है, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा पड़ता रहता है, 30 साल के बाद ऐसा संयोग आता है जी। कार्तिक शुक्ल पर अष्टमी को गोपाष्टमी बोला कहा जाता है कार्तिक के अंदर। यह गौ पूजा का विशेष पर्व है। इस दिन प्रातकाल गाय को स्नान करा के गंध पुष्पादि से उनका पूजन किया जाता है, गले के अंदर माला वगैरह पहनाई जाती है जी। इसके लिए इस दिन गाय को
पुंगराज देकर उसकी परिक्रमा करें आप लोग और कुछ देर तक उनके साथ रहें, तो आपकी बहुत सारी परेशानियां कम होती है, आपको अभिष्ट सिद्धि होती है, मानसिक तरंगे आपकी बहुत बढ़िया हो जाती है और आप बहुत कुछ करने के लिए ललायित हो जाते हो। जी दोस्तों, एक चीज ये भी है कि गाय की परिक्रमा करने से हमको बहुत सारी सिद्धियां भी मिलती है जो हमको पता नहीं चलता, लेकिन हमारे मनोरथ पूरे होने लगते हैं, ये बात बिल्कुल पक्की है। सायकाल जब गाय चरकर वापस आए उस समय भी उनकी आतिथ्य अभिवादन और पंचोपचार पूजन करके उनको हरी घास भोजन आदि खिलाए और उनको चरण रज ललाट पे लगाने से भी सौभाग्य में वृद्धि होती है। जी वो माता धरती की सबसे बड़ी वैद्यराज कही गई है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। आयुर्वेद के अंदर जब हम लोगों ने पिछले दिनों आपको एक कथा सुनाई थी कि धन्वंतरी जी जब हमको मिले थे, हम उनके लिए धन्वंतरी दिवस मनाते हैं, ये तभी से उस दिन भी मैंने आपको कहा था भारतीय संस्कृति में गौ माता की सेवा सबसे बड़ा सेवा का कार्य है। जी श्री कृष्ण गो सेवा को सर्वप्रिय मानते थे। अगर आप श्री कृष्ण की पूजा करते तो गाय को ना मानते ऐसा यकीन नहीं गाय किया। जी शुद्ध तो भारतीय नस्ल की गाय की रीढ़ में सूर्य केतु नाम की एक विशेष नाड़ी होती है। जी दोस्तों, इस नाड़ी पे जब सूर्य की किरण पड़ती है तो उसके अंदर स्वर्ण का निर्माण होता है, इसीलिए गाय के घी में, गाय के दूध में, गाय की दही में या गाय के मट्ठे में सोने जैसा रंग उत्पन्न होता है। जी इसका कहीं अलग नहीं है। और आपको बता दूं, ये जो मक्खन होता है ये हमारी है जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को संतान नहीं होती, यदि हम ये चीजें उसको दें तो निश्चित तौर से संतान उत्पन्न होती है। क्यों? सोने की बॉडी में जब कमी हो जाती है तो आदमी बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं रहता। जी मैंने यहाँ पे कई लोगों को उपाय बताया जो संतान नहीं थी, कि मैंने बसंत कुसुमाकर रस की गोली खाओ, उसमें भी तो स्वर्ण भस्म होती है, और गाय का दूध पीने से, गाय की दही और मक्खन खाने से, घी खाने से भी तो यही प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा गाय का दूध घी वगैरह सब पीला होता है, इसके अंदर अमृत की मात्रा होती है। स्वर्ण भस्म का मतलब अमृत की मात्रा होती है। पहले राजा महाराजा गिन्नियों को छोंक में डलवाते थे, खासकर मुस्लिम सम्राट बादशाह बोलते हैं उन्हें, वो डलवाते थे, उस छोंक का जो भोजन बनता था बाद में गिन्नी निकाल ली, उसके अंदर जो भी अंश रह जाता था उससे वो पुरुषार्थी बनते थे, बहुत सारी औरतों को अपने साथ रखते थे। गाय को सहलाने वालों में कई असाध्य रोग मिट जाते हैं क्योंकि गाय के रोम कोपों से सतत एक विशेष ऊर्जा निकलती है। जी गाय की पूंछ के झाड़ने से बच्चों के ऊपर हवा और नजर से बचाव हो सकता है, जब गाय पूंछ झाड़ती हिलाती है उसके झाड़ने से। गो मूत्र एवं गो झाड़ने के फायदे तो अनंत है, इसके सेवन से कैंसर और मधुमेह के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो मैं ये नहीं कहता आप गौमूत्र का सेवन करें, लेकिन हम लोग अपने घर के अंदर जो हम सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, यदि उसके अंदर थोड़ा गौमूत्र डाल दें तो आजकल जो डेंगू का प्रकोप है इससे भी बचा जा सकता है। गाय के गोबर से लिपा हुआ जो हमारा आंगन हो वो सात्विकता का प्रतीक होता है, पहले जमाने से ऐसे ही होता आ रहा है। इससे बनी गो चंदन जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। और एक बात और कहूंगा, गाय के उपले पे गाय का घी डाल के अगर जलाएं तो टनों ऑक्सीजन पैदा होती है, जो अभी ऑक्सीजन की कमी आप लोगों ने मैं देखी थी वो कमी खत्म हो जाती है और बहुत सारी ऑक्सीजन पैदा होती है। बस शर्त यह है गाय के गोबर का उपला हो और उसके ऊपर गाय का ही दूध से बना हुआ घी हो, जिसे बटर ऑयल बोलते हैं। दोस्तों इसीलिए मेरे ख्याल से गाय को इस धरती का सबसे बड़ा वैद्य माना गया। सत्पुरुषों का कहना है कि गाय की सेवा करने से गाय का ही नहीं बल्कि सेवा करने वाले का भी भला हो जाता है, यह है गाय की। दोस्तों एक चीज और कहता हूं, जो गाय चराने वाले लोग हैं वो बुद्धे नहीं होते। मैं बहुत छोटा था, हमारे यहाँ गाय थी, तो जो हमारे यहाँ जो ग्वाला आता था जो गाय को जंगल लेके जाता था शाम को जब वो आती थी, एक बार मैं ऐसी ग्वाले से कह बैठा, मैंने भैया आपकी उम्र कितनी है, मुझसे बोला बाबू मेरी उम्र इस समय 76 साल की है, और आप बिलीव करना मैं उस समय 14-15 साल का था। मुझे ऐसा लगा ये 30-32 साल का अपनी उम्र 76 साल बता रहा है। मैंने अपने पिताजी से बोला, पिताजी बोले मैं तो इसको शुरू से ऐसी देख रहा हूँ। आप अंदाज लगाइए गाय के साथ रहने वाले लोगों की स्थिति क्या होती है।
तो मैं ये नहीं कहता आप गाय के साथ रहो, मेरा वो मकसद नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे जानवर से जो हमें हर दृष्टि से लाभ देता हो उसके साथ यदि हम उससे पाले तो अच्छा होता है। एक चीज और बताऊंगा जो बहुत आपको कम मिलेगी, गाय के मस्तिष्क के अंदर गुरोचन होता है जी। जब गाय का शरीर पूरा होता है तो वो गुरोचन निकाल लिया जाता है उसका, जिन लोगों को पता है वो गुरोचन, वो गुरोचन भगवान विष्णु की पूजा में काम आता है। और कहते हैं उसकी पूजा से आपको 100 नियामत मिल जाती है। ये उस गुरोचन की बात बता रहा हूं, शुद्ध अति शुद्धता का प्रतीक होता है गुरुचन। हालांकि बाजार में भी मिलता है, कुछ भी करते हैं डुप्लीकेट आता है, लेकिन गुरुचन आपके ऊपर किसी भी नजर दोष को खत्म करने में, अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ाने में गुरुचन आपके काम आता है। अगर गुरुचन का तिलक कर लें तो आप सबके आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। ये है आज का गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में आपको दिया हुई बात। हमारे सनातन धर्म में कोई भी चीज निरर्थक नहीं है, हर चीज का कोई ना कोई अर्थ है, तभी वो हमारे बीच में है। और जो बातें मैंने आपको बताई है आप करके देखिए, अगर आपको बीपी रहता है किसी गाय की गर्दन के ऊपर नीचे वाले हिस्से पे, थोड़ी के नीचे वाले हिस्से पे हाथ 2-3 मिनट रोजाना हाथ पेरिए, 15 दिन के अंदर अपना बीपी नपवाइए, आप देख लीजिएगा। गाय का दूध पीजिए रोज, आप अपनी शुगर टेस्ट करा लीजिए, आप देखिए इस चीज के लिए जी। जी आचार्य जी, बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों को हमारा आज का कार्यक्रम जो है काफी पसंद आ रहा होगा। अगला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दर्शकों के साथ वो है माता सबरी का चिंतन और सब्र का प्रतिफल। सब्र करने पर क्या फल मिलता है, आज की भागदौड़ भरी लाइफ में अक्सर हम देखते हैं हमें बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए होती है और बहुत जल्दी हम चीजों के पीछे भागते हैं। हमें हमारे पास सब्र नाम की चीज जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। हमें लगता है आज हमने कोई काम किया तो उसका प्रतिफल जो है हमें फटाफट उसी समय मिल जाए, लेकिन सब्र का प्रतिफल क्या होता है ये आप माता सबरी से जान सकते हैं। माता सबरी का चिंतन और सब्र का प्रतिफल, इस पर अब हम बातचीत करने वाले हैं। तो आचार्य जी से आग्रह करूंगा एक बार इसके विषय में जो है बताए, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगता है कहीं ना कहीं काफी जरूरी चीज है, क्योंकि लोगों का सब्र जो है वो कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है। जी आचार्य जी, देखिए इसको मैं अपने शब्दों में बताता हूँ, यदि मैं इसको बहुत लंबा करके बताऊंगा तो बहुत देर लगेगी, उतना समय आप मुझे नहीं दे पाएंगे जी। माता सबरी 10 वर्ष की अवस्था में की थी तो मतंग ऋषि बोले, जिनकी वो शिष्य थे, वो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने कहा सबरी से कि अब मेरे पलायन का समय हो गया, मेरे जाने का समय हो गया, मुझे अब स्वर्ग लोक जाना है। माता सबरी रोने लगी, उन्होंने कहा कि 10 साल की अबोध बच्ची, वो क्या जा रहे, 3 साल से वो आश्रम में थी, बोला अभी आपको रहना है यहाँ पर और एक दिन वो आएगा जब मैं आपके नाम से पहचाना जाऊंगा जी। ने ऐसा क्या है प्रभु, बोला अभी दशरथ का ब्याह नहीं हुआ है जी, तो उसके बाद दशरथ 3 ब्याह करेंगे जी, उसके बाद कुछ दिन रुकेंगे और उसके बाद उनको 4 पुत्र पैदा होंगे जी, फिर एक दिन राम जी आएंगे जिस कल्याण के लिए आप पैदा हुई है वहां से तुम्हें कल्याण मिलेगा। क्योंकि सबरी जब उनके पास आई थी उसकी एक ही इच्छा थी कि मतंग ऋषि उसको प्रभु के दर्शन करा दे जी। एक 7 साल की बच्ची 10 साल की हो गई और मतंग ऋषि बोले कि अब चल मैं चलता हूं, वो कहती है प्रभु मुझे ले चलो, और उसके बाद वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। और उसके बाद सबरी ने सहस्त्रों वर्षों तक इंतजार किया जी, सहस्त्रों वर्षों तक रोज वो, और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि प्रभु का नहीं पता ये कब आ जाए जी, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए थम्मे में से भगवान आ गए थे जी। तो सबरी करती क्या थी, रोजाना सफाई करती, फूलों की सेज बनाती, रोजाना बेर निकालती, उस बेर का चुन चुन के खट्टे बेर खुद खाती है, मीठे मीठे बेरों को छाट के अपने मुंह से तोड़ के वो रखती रहती, पता नहीं मेरे प्रभु कब आ जाए, और इंतजार करती। सदिया बीत गई। उन्होंने भगवान राम को तो आना था, उन्हें कैकेयी ने उनसे वर मांगा और वो सीता जी के लिए, आपको सब लोगों को पता है कि वो जंगल में निकले। फिर एक दिन वो सबरी जी के आश्रम में पहुंच गया, मतंग ऋषि के आश्रम में,
तो एक कृष्णकाय महिला सामने रंग की कमर झुकी हुई वो आती है और आके बोलती है, प्रभु श्री राम आप आ गए। प्रभु श्री राम उनको दंडवत करते हैं, नमस्कार करते हैं और उनकी आश्रम में उनके मतलब झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। बोले प्रभु मैं तो जन्म जन्म से आपके दर्शन करना चाहती थी। बोले हाँ माँ मुझको पता है। और वो सबरी उनको पानी देती है, उनको वो चुने हुए बेर देती है जो उनके आश्रम के थे। आजकल वो दिवाली पे पूजे जाते हैं, लाल रंग का छोटा बेर होता है और जनरली वो मीठा ही होता है, खट्टा नहीं होता जी। वो बेर उनको खिलाती है और दुर्भाग्य देखिए लक्ष्मण जी का, वो झूठे बेर देख के उसको त्याग देते हैं। बाद में उसी बेर से संजीवनी पैदा होती है जो लक्ष्मण जी के प्राण को बचाती है। अब आप देखिए क्या चीज थी। और सबरी ने राम के दर्शन क्या किए, वो तो सबरी तो मोक्ष हो गई और उसकी वजह से आज भी त्रिकारदर्शी मतंग ऋषि को जाना पहचाना जाता है। नहीं तो मतंग ऋषि क्या, हजारों ऋषि हुए, कौन किसका नाम जानता है, कितने लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन एक सबरी ने अपनी वजह से अपने गुरु का नाम भी चमकाया, अपने कबीले का आदिवासी परिवार से थी उसका नाम चमकाया और खुद भी अमर हो गई। दोस्तों 14 वर्ष का वनवास और सबरी का कहना कि सुग्रीव से दोस्ती कर लो, उसके द्वारा उसकी पत्नी को जो बंधक बनाया हुआ आता था, बाली का वध आपके द्वारा होगा, वहां से आपको सीता का रास्ता मिलेगा जहां पर सीता कैद है जी। तो ऐसी स्थिति में अब आप समझ सकते हैं कि जो सबरी के पास बल था वो थी उसकी तपस्या, उसकी अपना रुकने की शक्ति जी। आज के समय में हमारी जल्दबाज नीतियां हमको औरों से पीछे गड्ढे में डाल देती हैं जी। हम लोगों को लगातार निरंतर प्रयास करते रहना होगा, तभी हम समाज में आगे की ओर बढ़ पाएंगे। जिस प्रकार माता सबरी ने प्रतीक्षा की, सब्र किया, यदि हम ऐसा सब्र अपने अंदर करें और प्रयास करते रहें, तो निश्चित तौर से एक दिन राम हमें भी मिलेंगे, कृष्ण हमें भी मिलेंगे, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। और प्रभु देखिए, प्रभु ने जो भक्ति सबरी पे की उनको अपने सामने ही मोक्ष का रास्ता दे दिया। मैं तो ऐसा चाहता हूं कि सभी लोग सब्रवान बने, देशभक्त बने, आगे की ओर चले। और देखिए ये जीवन की सर्वोत्तम दीपावली जो है, जो बीती है अभी कुछ दिन पहले, उसके अंदर भी ऐसा संस्कार बना, आपके त्रिपुरकर संस्कार बना था, यानी कि जिन लोगों ने अपने देवी देवताओं, अपने पूर्वजों की उस दिन पूजा की, निश्चित तौर से उन लोगों को ये वर्ष बहुत लाभ का रहने वाला है जी। जो उस पूजा से चूक गए उन लोगों को तो सामान्य जीवन जैसा है वैसा रहने वाला है। पैसे के अंदर आग लगाने से कुछ नहीं होगा जी। पैसे को फूंक देने से, पैसे अति खर्चे से हमेशा नुकसान होता है। खर्चा सीमित करो, उतना करो जितनी जरूरत हो, जब जरूरत पड़े तो चाहे खूब खर्चा करो, लेकिन इतना खर्चा मत करो जो कर्जा लेके आपको परेशानी का कारण बनना पड़े। खर्चा कहाँ कहाँ होता है ज्यादा, मकान बनाने में, बिटिया या बेटे की शादी में। इसके अतिरिक्त कोई भी पैसा खर्च किया हुआ हमेशा कुप परिणाम देता है, सुपरिणाम कभी नहीं देता। इसी के साथ मेरी बात को मैं समाप्त करता हूँ। एक घंटे का विषय था ये, मगर मैंने आपको कुछ कम समय के अंदर ये इसलिए बताया कि चैनल की भी मजबूरी और मेरी भी मजबूरी है, मुझे समय को साथ लेके चलना पड़ता है दोस्तों। जी सरकार जी, आचार्य जी, आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, आज इतनी बेहतरीन विषयों पर दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। दर्शकों आज हम थोड़ा सा समय की कमी के चलते आपके प्रश्न नहीं ले पाएंगे, कल के कार्यक्रम में फिर हम आपके प्रश्न लेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को शामिल करेंगे। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा, तो अपने बाकी मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ इसको साझा कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे लाभ उठा सके। आचार्य जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सारा समय दर्शकों को देने के लिए, इतनी बेहतरीन जानकारियां उन लोगों तक पहुंचाने के लिए। सभी दर्शकों से अनुरोध है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबा के सबसे पहले हमारी वीडियोस पाइए। अगर आप फेसबुक पे हमारे
इस वीडियो को देख रहे हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी जानकारियां, अपने सवाल, अपने प्रश्न हमें मेल करके भेजिए। नीचे दिए गए नंबरों पर हमें आप भेज सकते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। ताजातरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद। Thank you.